नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी साहिबं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न हो वही जे सोची लख वार चुपै चुप न हो वही जे लाए रहा लिवतार भुख्या भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार सहस सियाणप लख हो हित एक न चलै नाल केव सचियारा होइया केव कूड़ा टुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है एक ना हुक्मी बख्शी सिख हुक्मी सदा पवाई है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोय नानक हुक्मै जे बुझै ता होमै कह न कोय गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दात जाने नीसाण गावै को गुण वडियाईया चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तन खेहे गावै को जी लै फिर देह गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथरा कथी न आवै तोट काथ काथ कथी कोटी कोट कोट देदा दे लैंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक विकसै वे परवाह साचा साहिब साच नाहे भाख्या पाव अपार आखै मंगै देह दे दात करे दातार फेर के अगै रखी है जित दुसै दरबार मुहाओ के बोलन बोली है जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच ना ओढ़ियाई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक एवै जानिया सब आपे सचियार थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविया गुणी निदान गाविया सुनिया मन रखिया पाओ दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नादंग गुरमुख वेदंग गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई जे हौ जाना आखा नाही कहना कथनो न जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीर्थ नहावा जे तिस भावा विण भाणे के नहाए करी जेती सेठो पाई वेखा विण करमा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानिया नाल चलै सब कोए चंगा नाम रखाए कै जस कीर्त जगले जे तिस नदर न आवई ता बात न पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोसी दोस तरे नानक निर्गुणे गुण करे गुणवंतिया गुण दे तिहा कोई न सुझई जे तिस गुण कोय करे सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनया धरत तबल आकाश सुनया दीप लो पाताल सुनया पोहे न सुख काल नानक भगता सदा विगास हो सुनया दूख पाप का नास हो सुनया ईश्वर वर्मा इंदो सुनया मुखसा लहण मन दो सुनया जोग जुगत तन भेद सुनया शास्त्र सिमरत वेद नानक भगता सदा विगास हो सुनया दूख पाप का नास हो सुनया सत संतोख ज्ञान हो सुनया अठ सठ का स्नान सुनया पढ़ पढ़ पावै मान सुनया लागै सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास सुनया सरा गुणा के गाह सुनया सेख पीर पातशाह सुनया अंधे पावै राह सुनया हाथ होवै असगाह नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास
ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੇ ਪਛਤਾਏ ਕਾਗਦ ਕਰਨ ਲਿਖਣ ਹਾਰ ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ ਮਨ ਬੁੱਧ ਹੈ ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭੁਣ ਕੀ ਸੁਧ ਹੈ ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ ਮੰਨੈ ਪਤਸਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ ਮੰਨੈ ਮਗ ਨਾ ਚੱਲੈ ਪੰਥ ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇ ਤੀ ਸੰਬੰਧ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨਾ ਭਿੱਖ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣਾ ਮਨ ਕੋਏ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ ਸੰਤੋਖ ਤਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ ਧਵਲੈ ਉੱਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ ਜੀ ਜਾਤ ਨੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁੜੀ ਕਲਾਮ ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਹੇ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਏ ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਆ ਰੂਪ ਕੇਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ ਇਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰੀ ਆਓ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪਤਾਓ ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁੱਖ ਵੇਦ ਪਾਠ ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਸੰਖ ਦਾਤਾਰ ਅਸੰਖ ਸੂਰਮੋਹ ਭਗਸਾਰ ਅਸੰਖ ਮੌਨ ਲੇਵ ਲਾਏ ਤਾਰ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੇ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਣ ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤੇ ਪਾਹੇ ਜੇ ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾ ਨਾਓ ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਓ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰੋ ਸੋਖੇ ਹੇ ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਾ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੇ ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾਹੋ ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਪਾਓ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਓ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਸਵਸਥ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰੋ ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੋ ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰੋ ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਕੁਰਾਣ ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਯੋਗੀ ਜਾਣੈ ਰੁੱਤ ਮਾਹੋ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾ ਕਰਤਾ ਸੇਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪਾਉ ਜਾਣੈ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋਹੈ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸ ਆਗਾਸ ਓੜ ਕੋੜ ਭਾਲ ਥੱਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਵਾਤ ਸਹਸ ਅਠਾਰਹ ਕਹਿਣ ਕਿਤੇਬਾ ਅਸਲੂ ਇੱਕ ਧਾਤ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਆ ਨਦੀਆਂ ਤੈ ਵਾਹ ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਆ ਹੈ ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਹਾ ਮਨ ਮੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੇਤੇ ਬਿਲਲਾਹੇ ਤਾਂ ਕੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਹੇ ਇਹੋ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਓ ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਓ ਇਹ ਵੱਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਹੋ ਜਾਣੈ ਸੋਏ ਜੇ ਵੜ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ ਕੇਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਧ ਅਪਾਰ
केतिया गणत नहीं विचार, केते खप टुटै बेकार, केते लै लै मुकर पाहे, केते मूर्ख खाही खाहे, केतिया दुख भूख सद मार, ए पे दात तेरी दातार, बंद खलासी भाणे होए, होर आख न सकै कोए, जे को खाए को आखण पाए, ओह जाणै जेतिया मोहे खाए, आपे जाणै आपे देहे, आखै से पे के ई केहे, जिस नो बक्से सिफत सालाह, नानक पातशाही पातशाह, अमुल गुण अमुल वापार, अमुल वापारिये अमुल भंडार, अमुल आवहै मुल लै जाहे, अमुल पाए मुल असमाहे, अमुल धर्म मुल दीवान, अमुल तुल अमुल प्रवान, अमुल बख्शीस मुल नीसान, अमुल कर्म अमुल फुरमान, अमुलो अमुल आख्या न जाए, आख आख रहे लिव लाए, आखै वेद पाठ पुराण, आखै पढ़े करह बखियान, आखै बरमे आखै इंद, आखै गोपी तै गोविंद, आखै ईश्वर आखै सिद्ध, आखै केते कीते बुद्ध, आखै दानव आखै देव, आखै सुर नर मुन जन सेव, केते आखै आखण पाहे, केते कह कह उठ उठ जाहे, केते कीते होर करेहे, ताख न सकै के ई केहे, जेवड़ पावै तेवड़ होए, नानक जाणै सचा सोए, जे को आखै बोल बिगाड़, ता लिखिया सिर गावारा गावार, सो दार केहा सो कार केहा, जित भै सर्व संभाले, वाजे नादन एक असंखा, केते बावन हारे, केते राग परिस्यव कईन, केते गावन हारे, गावे तोनो पौन पानी बै संतर, गावे राजा धर्म द्वारे, गावे चित गुप्त लिख जान है, लिख लिख धर्म विचारे, गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोन सदा सवारे, गावे इंदे दासन बैठे देवत्या दर नाले, गावे सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी, गावे वीर करारे, गावन पंडित पढ़न रखीसर, जुग जुग वेदा नाले, गावे मोहनिया मन मोहने, सुरगा मच पयाले, गावन रत्नों पाए तेरे, अड़सठ तीर्थ नाले, गावे जोध महा बलसूरा, गावे खान इंचारे, गावे खंड मंडल वर भंडा, कर कर रखे तारे, से ही तुदनो गावे जोत पावन, रते तेरे भगत रसाले, और केते गावन से मैं चित न आवन, नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई, है पी होसी जाय न जासी, रचना जिन रचाई, रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी, माया जिनो पाई, कर कर वेखा कीता अपना, जिव तिस दी वड़ियाई, जो तिस पावै सोई करसी, हुक्म ना करना जाई, सो पातशाहो साहा पात साहिब, नानक रहन रुजाई, मुंदा संतोख सरमपद चोली, ध्यान की करह विभूत, चिंता काल कुआरी काया, जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती, मन जीता जग जीत, आदेश तिसा आदेश, आद अनिल अनाद अनाहते, जुग जुग एको वेश, भुगत ज्ञान दया भंडारण, घट घट वाजै नाद, आप नाथ नाथी सब जाकी, रिद्ध सिद्ध अवरासाद, संजोग विजोग दो एकार चलावै, लेखे आवै भाग, आदेश तिसा आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, एका माई जुगत व्याई, तिन चेले प्रवान, एक संसारी एक भंडारी, एक लाए दी बाण, जिवत सभावै तिवै चलावै, जिव होवै फुरमान, ओह वेखै उन्ना नदर न आवै, बहुता एहो विडाण, आदेश तिसा आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, आसन लोय लोय भंडार, जो किश पाया सो एका वार, कर कर वेखै सिरजनहार, नानक सच्चे की साची कार, आदेश तिसा आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, एक दूजी भाव लख हो, लख होवै लख वीस, लख लख गेड़ा आखिया है, एक नाम जगदीश, ए तुराहे पत पवड़िया, चढ़िया होए कीस, सुन गल्ला आकाश की, कीटा या ईरीस, नानक नदरी पाई है, कूड़ी कूड़ा ठीस, आखण जोर चुपै नह जोर, जोर न मंगण देण न जोर, जोर न जीवन मरण नह जोर, जोर न राजमाल मन सोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटै संसार, जिस हथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोए, राती रुती थित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जीए जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथै सोहन पंच परवान, नदरी कर्म पवै नीसान, कच पकाई उथै पाए, नानक गया जा पै जाए, धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म, केते पवन पाणी वै संतर, केते कान महेश, केते बरमे काड़त कड़िया है, रूप रंग के वेश,
केतिया कर्म भूमि मेर केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरिंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कोट आनंद सरम खंड की बाणी रूप तिथे घाट घड़िया बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया न जाहे जे को कहे पिछे पछताए तिथे घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िया सुरा सदा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथे होर ना कोई होर तिथे जोध महाबल सूर तिन मैं राम रहया भरपूर तिथे सीतो सीता मैं ममाहे ताके रूप न कथने जाहे ना ओहे मरहे न ठागे जाहे जिनकै राम बसै मन माहे तिथे भगत बसै के लो करै आनंद सच्चा मन सोए सच खंड बसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथे खंड मंडल वर भंड जे को कथै ता अंत ना अंत तिथे लो आकार जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार वेखै विकसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जात पहारा धीरज सुनियार अहरण मत वेद हथियार पाओ खला अग्न तपताओ भांडा पाओ अमृतो तिताल घड़िया शब्द सच्ची टकसाल जिनको नदर कर्म तिनकार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेलै सकल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचै धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सुख नाही रे हर भगत बिना सुख नाही रे हर भगत बिना सुख नाही रे हर भगत बिना जीत जन्म रत्न अमोलक जीत जन्म रत्न अमोलक साध संगत जप एक खिना साध संगत जप जीत जन्म रत्न अमोलक जीत जन्म रत्न अमोलक साध संगत जप एक खिना साध संगत जप एक किनारा
सादा सादा
जो दिन आवे सो दिन जाए, जो दिन आवे सो दिन जाए, जो दिन आवे सो दिन जाही, सगम धप 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 गम गम साली जो दिन आवे सो दिन जाही, सो दिन जा धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो दिन आवे सो दिन जाही, जो दिन आ गया है समझ लो वो तो चला गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भगत रविदास जी बड़े प्यारे और बड़े अनोखे ढंग से समझा रहे हैं, क्या तू सोया जाग ए आना, ए आना कहते ना समझ बालक को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहते ना ये आना है, ये ना समझ है, हमें ना समझ कह रहे हैं। एक्चुअली अपने मन को समझाकर हमें समझा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भगत रविदास जी अपने मन से बातें कर रहे हैं, ज्ञान हमें दे रहे हैं। उनका मन तो जाग चुका था, हमारा मन सोया हुआ। यहाँ पर शरीर की बात नहीं हो रही, मन की बात हो रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसका मन जाग जाएगा, शरीर तो फिर जागेगा ही जागेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्या तू सोया जाग आना, तै जीवन जग सच कर जाना। तूने इस जीवन को सच करके मान लिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ए अनजाने बालक, तू दूसरों को शमशान घाट छोड़कर जला कर आता है और खुद सोचता है कि मैं अभी नहीं मरूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पिछले साल कितने लोग यहाँ पर थे और कितने लोग इसमें से नहीं है, आप खुद सोच सकते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगले संग कौन नहीं होंगे किसी को नहीं पता, अगले पल का नहीं पता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमारे एक बड़े प्यारे मित्र कह लीजिए और सेवादार कह लीजिए अमृतलय ट्रस्ट के, एक कैलाश जी आते थे मंडला से, इस चाली में आए थे चाली अटेंड करने। कहते भाई साहब मैं 40 दिन यहीं रह के चाली अटेंड करूंगा। 4 दिन के बाद उनकी तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल में एडमिट हुए और 4 दिनों में ही उनके श्वास छूट गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्या गारंटी है किसी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल ठीक। अचानक थोड़ी तकलीफ हुई, छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ा। जितने श्वास लिखे हैं प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर ये सब देखते हुए भी, समझते हुए भी, करते हुए भी हम ये ज्ञान नहीं ले पाते हैं और जीते ऐसे हैं कि जैसे कभी मरना ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भगत रविदास जी ये देखकर ही हैरान हो रहे हैं, हमें देखकर ही।
युधिष्ठिर से पूछा था ना यक्ष ने कि इस संसार में सबसे विचित्र बात कौन सी है, आश्चर्यचकित करने वाली। तो एक ही जवाब दिया था युधिष्ठिर ने, हर आदमी शमशान घाट में दूसरे को छोड़कर आता है और खुद यही सोचता है कि मैं नहीं मरूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कम से कम अभी तो नहीं मरूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कहते सभी हैं कि एक दिन चले जाना है, पर जीवन में वो दिखाई नहीं देता। जिसका मन मान जाता है कि चले जाना है, वो किसी से अटैचमेंट नहीं रख सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, वो अनअटैचमेंट की तरफ बढ़ जाएगा। गौतम बुद्ध ने एक वृद्ध को देखा, एक बुजुर्ग को गौतम ने एक शमशान घाट में जाते हुए लाश को देखा, बुद्ध बन गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गौतम से बुद्ध कब बने, जब उन्होंने एक बीमार, एक बुजुर्ग और एक अर्थी को देख लिया। बस हम रोज देखते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्यों ऐसे हो रहा है? उनका मन जागा हुआ था, चोट लगी मन जाग गया। हमारे मन पत्थर हो चुके हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमारे मन सोए हैं अनंत काल से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो दिन आवे सो दिन जाहे, करना कुछ रहन थिर नाहे। कुछ कर जाना इस जहान से, स्थिर नहीं रहना है, किराए के घर में रह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे कागजों में नाम हो, है तो किराए का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संग चलत है हम भी चलना, जिसे छोड़ने जा रहा है तो याद रख तू भी, तुझे भी छोड़ने जाएंगे लोग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूर गवन सिर ऊपर मरना, और ये मुसाफिरी बड़ी दूर की है और पता नहीं कब ये समा आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मौत सर पर ही खड़ी है, सिर ऊपर मरना। बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे ना, काल रूपी नाग सर पर बैठा है, ये सच है। कब किसकी बारी है पता नहीं, इसलिए कहते थे अमृत वेला संभाल लो, संभाल लो। काल रूपी नाग सर पर खड़ा है, कब डस ले पता नहीं। कम से कम नेम निभा कर जाए, मुख उजले होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल, जिन्हें नाम ते आया। नानक ते मुख उजले, उनके मुख उजले होते हैं जिन्होंने नाम ध्याया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वहां पर जब जाएंगे तो ये नहीं पूछा जाएगा दुकान खोली थी कि नहीं, कितना कारोबार किया था। एक सवाल होगा, जीवन कैसा था, करैक्टर कैसा था, क्या किया तुमने, नाम जपा के नहीं जपा, अमृत वेले उठे के नहीं उठे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्या तू सोया जागे आना, तय जीवन जग सच कर जाना। जिन जियो दिया सूर्य जग अंबरावे। इंसान ज्यादातर रोजी रोटी की चिंता में भटकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भगत रविदास जी कह रहे, जिसने शरीर दिया है, पेट दिया है, भोजन भी देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब कट भीतर हाट चलावे, हर शरीर को भोजन दे रहा है, ये उसका काम है, वो देगा ही देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ठीक है, कोई हर कोई चार सब्जी ना खा सके, दाल रोटी तो देगा ही देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसलिए कर बंदगी छाड़ मैं मेरा, तेरा काम है बंदगी करना, और वो भी मैं का विचार को त्याग करके, मेरा सामान, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बिजनेस नहीं, तेरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कर बंदगी छाड़ मैं मेरा, बंदगी कर पर अहंकार त्याग कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मैं मत कर, नहीं तो बंदगी बंदगी नहीं रहती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बड़े ध्यान से समझना, बंदगी एक दवाई खाते हैं ना हम, दवाई के साथ हम डॉक्टर से पूछते हैं इसका साइड इफेक्ट क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हर दवाई का अगर इफेक्ट है तो साइड इफेक्ट भी होता है, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा। नाम जपने का भी साइड इफेक्ट होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बंदगी का भी साइड इफेक्ट होता है,
हरनाकश ने बंदगी ही की थी। फिर जे बोलिया धन गुरु नानक, रावण अत का तपी था, बंदगी की थी पर अहंकार के साथ की थी, इसलिए साइड इफेक्ट हो गया। फिर जे बोलिया धन गुरु नानक। भगवान को भगवान मानने को तैयार नहीं, सामने राम खड़े हैं, सामने कृष्ण खड़े, सामने विष्णु भगवान खड़े, पर समझ नहीं आ रहे क्योंकि अहंकार मैं। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। साइड इफेक्ट है नाम का, बंदगी का। अगर अहंकार रख के ना कोई नाम जपता है तो उसका साइड इफेक्ट बहुत बड़ा हो जाता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए कर बंदगी छाड़ मैं मेरा, हृदय नाम संभाल सवेरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर वक्त इस हृदय को नाम से जोड़ कर रख, यही बंदगी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बंदे से जे पवे विच बंदी, वेखण को दीदार। बंदा ही वो है पाछा कहते हैं जो बंदगी करे, नहीं तो मेरी नजर में वो बंदा नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव पाछा कह रहे वो मेरी नजर में इंसान ही नहीं है जो नाम नहीं जपता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जन्म से रानो पंथ ना सवारा, जन्म खत्म होने पर आ गया है पर अपना रास्ता साफ नहीं किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस रास्ते पर तूने चलना है उसका ना रास्ता पता किया है ना अपने रास्ते का मार्ग बनाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समझदार आदमी घर से निकलने से पहले रास्ता पता करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जन्म सिरानो पंथ ना सिमार, सांझ परी दह दिस अंधियारा। अब ऐसी शाम होने वाली है, चारों तरफ अंधेरा छाने वाला है, भाव मृत्यु मौत आने वाली है, ऐसा समय आने वाला है कि कोई दिखाई नहीं देगा आपको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें कोई कुछ दिखाई नहीं देगा सिवाय अंधेरे के, अगर नाम नहीं है पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये सच है साध संगत जी, इस सच को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, यही सच है और यही अंतिम सच है। और इस सच को जो पहले जान लेता है, अंत में तो सबको जानना पड़ता है, जो पहले जान लेता है वो ज्ञानी है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कोई पहले ना जान पाए, अंत समय पे भी नाम नहीं जप पाता, नहीं जप पाता, ये सच्चाई है। कोई विरला होता है जो अंत समय संभाल ले, अगर कोई संत महापुरुष की संगत मिल जाए। ज्यादातर 99.9% जिन्होंने सारा जीवन नाम नहीं जपा, अंत समय चाहकर भी नाम नहीं जप सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे कई घटनाएं सुनाई है, हास्यपद घटनाएं हैं कि सेठ मर रहे हैं अंत समय पर, सबने घटनाएं सुन रखी। छोटा किधर है, इधर हूँ, बड़ा किधर है, यहाँ मंजिला किधर है, इधर है, तुम तीनों इधर हो तो दुकान पर कौन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मर रहा है पर फिक्र दुकान की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हमारी हालत है, सारा जीवन जिस चीज पर ज्यादा जोर दिया होगा ना साथ संगत, अंत समय में वही याद आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर हमारा सारा जीवन धन कमाने पर गया है, धन हमारा लक्ष्य है, तो अंत समय में धन ही याद आएगा। सारा जीवन किसी स्त्री की सोच में बीता है तो अंत समय में स्त्री ही याद आएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जैसा अंत समय होगा आपको सबको पता है, अंत समय जो स्त्री सिमरे ऐसी चिंता मैं जिमरे, वेश्या जोन वल वल उतरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वासना लेकर मरे अब बन वेश्या, कोठे पे बैठ और सारा जीवन वासना भोग, सजा भोग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये वाणी कहती है। अंतकाल जो लड़के सिमरे बच्चों को याद कर रहे, ऐसी चिंता मैं जे मरे, सूकर जोन वल वल उतरे। सूअर के 12-13-14 बच्चे होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब लेके घूम बच्चे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंतकाल जो मंदिर सिमरे, घर बनाया इतना बढ़िया घर है छोड़ के जाना पड़ रहा है क्योंकि अटैचमेंट है, ऐसी चिंता मैं जे मरे, प्रेत जोन वल वल उतरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसी घर में आत्मा बन के भटकेगा, खुद तो परेशान होगा ही घर वालों को भी परेशान करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंतकाल नारायण सिमरे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसी चिंता मैं जी मरे, बदित त्रिलोचन तेर नर मुक्ता, पीतम्बर वाके हृदय बसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जन्म सिरानो पंथ न सवारा, सांझ परी दे दिस अंधियारा, कह रविदास निदान दीवाने, ए दीवाने हे याने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
क्यों नहीं जपता नाम, क्योंकि नाम ही तेरे साथ जाएगा। चेत सुनाई दुनिया फन फाने, ये दुनिया फानी है, जो कुछ तूने इकट्ठा किया है, जो कुछ तूने बनाया, जो तुझे दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं रहने वाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगत रविदास जी ज्ञान दे रहे हैं, क्या तू सोया, जाग, इस मन को जगाना है, मन को। और दो पंक्तियां गा रहे, क्या तू सोया जाग आना, 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 तेरे जीवन जग साहब जी समझा रहे हैं, जाग लियो रे मना, जाग लियो हे मन, जाग जा भाव समझ जा, जाग जा समझ जा, कहां गाफल सोया, कौन सी गाफल की नींद, बेहोशी की नींद सोया हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो तन, तू कहता है ये मेरा साथ है, ये मेरा साथी है, मेरी घरवाली मेरे साथी है, बाल बच्चे, परिवार, मित्र, रिश्तेदार, यदि तेरा अपना शरीर तेरा साथ छोड़ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तू कहां किसी आश्रय पे रुका हुआ है, जाग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम सोए हुए हैं, हमें जगाया जा रहा है। मात पिता सुत बंद जन, हित सा जासो कीना, जियो छूट्यो जब देते डार अग्नि में दीना। यही तेरे घर वाले, यही परिवार वाले, तेरे रिश्तेदार तुझे आग में झोंक कर वापिस चले आएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जिन्हें तू अपना कह रहा है। गुरु तेग बहादुर साहब जी समझा रहे हैं, जीवत लो व्यवहार है, जग को तुम जानो, इस बात को समझ लो कि जब तक तेरे शरीर में प्राण है तेरे साथ अटैचमेंट है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नानक हर गुण गायल है, सब सुफन समानो, एक सपना देख रहा है। तो बाबा नानक सिंह जी समझाते थे अक्सर, जैसे ही हमारे प्राण छूटते हैं ना शरीर से, जो अनुभव महापुरुष बताते हैं जो सच्चाई है, जैसे ही शरीर से प्राण छूटते हैं ना, आत्मा अपने शरीर को देख रही होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उसे ऐसा लगता है मैंने एक सपना देखा है, ये जो कुछ भी सारा जीवन जो हुआ है, हम सपने में जागते तो कैसे हैरान होते हैं कि ये तो सपना था और मैं सच समझ बैठा था। बाबा नानक सिंह जी कहते थे यही हाल होता है जब इंसान की मृत्यु आती है, आत्मा शरीर से बाहर निकलती तो उसे हर चीज सपने दिखाई देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम उसे लेकर रोते रहते हैं अटैचमेंट से, मेरा भाई चला गया, मेरा बेटा चला गया, मेरा पति चला गया, मेरा पिता चला गया, हम रोते हैं, उसको कोई अटैचमेंट नहीं रहती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि उसको एक सपना दिखाई देता है। इस बात को समझना, जैसे हम नींद में से जागते हैं तो अपने पे हंसते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे ही वो रोता है अपने कर्मों को देख करके, मैं स्वप्न में क्या कर रहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये वाणी कह रही गुरु तेग बहादुर साहब जी, नानक हर गुण गाय लय, सब सुफन समानो, इस स्वप्न के समान है नाम जप ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस स्वप्न में जितना तूने नाम जपा है वही तेरे साथ जाएगा, बाकी जितने जो कुछ भी किया है
जो कुछ भी इकट्ठा किया है सब रह जाएगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। जीव तुल व्यवहार है जग को तुम जानो, जीवत को व्यवहार है। मरने के बाद कोई चाकर भी साथ नहीं दे सकता, वैसे तो कोई देता ही नहीं। एक घटना दास ने सुनाई थी पहले, छोटी सी है, ज्ञान है इसमें ले लेते हैं। संत महापुरुष सेठ को कहते हैं चल साथ में, बहुत तूने अपना जीवन अपने परिवार को दे दिया, बच्चे भी बड़े हो गए, तेरी जिम्मेदारियां पूरी होगी, आ जा सेवा में लग जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पुराने जमाने में लोग ऐसा करते थे, राजे महाराजा तक विश्राम ले लेते थे, विश्राम भाव आराम, आराम भाव बंदगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। छोड़कर जंगल में चले जाते कि अंतिम समय है नाम जप ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहते सेवा में लग जा। कहने लगे नहीं, मेरा परिवार मुझे बहुत प्यार करता है, मैं छोड़ के जाऊंगा वो रोएंगे, उदास हो जाएंगे, वो मेरे बिना जी नहीं पाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो महापुरुष समझाते हैं भाई ऐसा कुछ नहीं होता, तू चला जाएगा तब भी कुछ नहीं रुकने वाला। वो नहीं मानता तो महापुरुष कहते हैं काम कर, सोफे पे लेट जाना और हम तेरे श्वास दसम द्वार तक खुद चढ़ा देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डॉक्टर भी आके चेक करेगा तो कहेगा कि मर गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर तुझे सब सुनाई दे रहा होगा, सब सुनते रहना, सच्चाई पता चल जाएगी। गया घर में सेठ, लेट गया, श्वास दसम द्वार पर चढ़ा दिया महापुरुषों ने अपनी कमाई से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब घर वाले बुला रहे हैं तो उठ नहीं रहा, तो बात फैल गई कि पिताजी मर गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मृत्यु हो गई है। सब रो रहे हैं पास में बैठे, बेटी रो रही है, बेटा रो रहा है, घर वाली रो रही है कि इससे अच्छा तो मैं चली जाती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, आप क्यों चले गए। थोड़ी देर में महापुरुष आ गए, ये सब सुन रहा है। महापुरुष कहने लगे तो होना हो गया, इसमें क्या चिंता। कहने लगे नहीं, ऐसे कैसे चले गए, अभी समय थोड़ा था इनके जाने का, इससे अच्छा तो मैं चला जाता। बेटा कहते हैं पिताजी क्यों चले गए। बेटी भी यही कहती, घर वाले भी यही कहते। महापुरुष कहते इतना ही प्रेम है तो एक फल देता हूँ, सेब है खा लो, जो खाएगा वो चला जाएगा, ये जीवित हो जाएगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। घर वाली कहती है कोई बात नहीं है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, जाना ही था, मेरे बिना वो वैसे नहीं रह पाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कोई बात नहीं, बेटे को भी कहा तू खा ले भाई, से बड़ा प्यार कर रहा था। कहने लगा उनकी तो चलो उम्र होगी, मेरी तो उम्र बाकी है, अभी मेरी तो जवानी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बेटी ने भी यही जवाब दिया। उस वक्त महापुरुष ने उसके श्वास उतार दिए, खड़ा हो गया, उठ के कहने लगा चलो जहां लेके चलना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ज्ञान देख लिया, सच यही है, हम मानने को तैयार नहीं क्योंकि मन सोया हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कोई किसी का नहीं है, कोई हो भी नहीं सकता चाकर भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक संत है जो साथ निभाता है मरने के बाद, नानक कचड़िया से तोड़ टूंड सज्जन संत पक्या, नाम जपने वालों से मित्रता कर लो वो मरने के बाद भी सहाय होंगे, और कोई सहाय नहीं हो सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्या तू सोया जाग में आना, क्या तू सोया जाग में आना, क्या तू सोया जाग में आना, क्या तू सोया जाग में आना। ते जीवन शरीर अगर सोया हो तो कैसे जगाया जाता है, आवाज देकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई सो रहा है कहते भाई उसे उठा दे, तो आवाज देते हैं, नहीं उठता तो जोर से आवाज देते हैं।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर गहरी नींद में सोया है तो ये मन जन्मों से सोया है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसे कैसे जगाए, कैसे जगाए इसे? इसे जगाने का एक ही तरीका है, जोर जोर से, जोर जोर से पुकारना पड़ेगा। और जोर जोर से पुकारना पड़ेगा मन में, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शरीर को जगाना है, कान में आवाज जानी चाहिए। मन को जगाना है, मन तक आवाज पहुंचनी चाहिए। कैसे पहुंचेगी? इतने दिनों से एक ही बात सीख रहे हैं कि रसना जपे वाहिगुरु, कानों में आवाज जाए और मन इस आवाज को सुने, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मन जाग जाएगा, ज्ञानी बन जाएगा, रहेगा संसार में, अटैचमेंट नहीं रखेगा। एक ही तरीका है इसे जगाने का। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। मन को सुनाओ, मन को। संगत में कितना आसान हो जाता है मन को सुनाना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितना आसान हो जाता है, ये सत्संगत की वड़ियाई है। जो सत्संगत में घटित हो सकता है ना, और कहीं हो ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कहीं नहीं हो सकता। और अगर कहीं कुछ घटित होगा अकेले में, तो कृपा सत्संगत से ही होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस मन को जगाना है, आवाज देनी होगी मन को, ये जाग जाएगा। ये शब्द ही ऐसा है जगाने के लिए। गुर कृपाते से जन जागे, जिन हर मन वसिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। केवल वही जाग सकते हैं गुरु की कृपा से, प्रभु का नाम जिस हृदय में बस जाए, मन सुन ले बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बोले अमृत वाणी, बाणी प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मन को जगाती है, ये बाणी है ना जो रोज श्रवण करते, गुरु की बाणी। बाणी गुरु, गुरु है गुरु को सुन रहे हैं हम, बाणी को सुन रहे हैं मतलब गुरु सुन रहे हैं, गुरु को, गुरुसेव जी हमें समझा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नमित कोई भी बन सकता है, मैं बैठा हूँ, कल कोई दूसरा बोल सकता है, कोई तीसरा बोल सकता है। बोल शब्द में गुरु रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्या तू सोया, जागे आना। जागे हुए मन की कई निशानियां होती, महापुरुष समझाते थे। जागे हुए मन की निशानी, धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। जागा हुआ मन, जागा हुआ मन जो अगर बुरा भी करे हमारे साथ, उसके साथ भी भला ही करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जागे हुए मन की महापुरुष निशानियां गिनाया करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि जिसका मन जाग गया है उसकी निशानी क्या है। जिसका मन जाग गया है वो अमृत वेले सो ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शरीर तो जागेगा ही जागेगा जिसका मन जाग गया है। और अगर अभी भी अमृत वेले नींद आती है, मन करता कि आज का दिन रहने दे, समझ लेना मन नहीं जागा पूरी तरह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, अधूरा जागा है, बेहोशी की हालत में है, जागा हुआ है पर उठा हुआ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, लेटे लेटे जागा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूर्ण तरह अगर जागाना है तो उसके लिए वो जुगति बार बार अपनानी पड़ेगी। जिस दिन ये पसंती पर पहुंच गया ना, बैखरी मदमा से पसंती हृदय में जिस दिन शुरू हो गया, मन जाग गया समझो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब अमृत वाले नींद नहीं आएगी, डर लगेगा कि नींद ना आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी घटना है, ऐतिहासिक। गुरु अर्जुन देव जी महाराज के समय प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनका एक सिख, उसका जीवन कितना ऊंचा है और कैसे एक जगह हुआ मन, एक जगह हुआ मन कईयों को जगा सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सामने वाले का जीवन पलट के रख देता है। एक दीपक जला हुआ हो, चाहे जितने मर्जी दीपक उससे जला लो आप, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बशर्ते उस दीपक में तेल होना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और दो पंक्तियां पढ़ ली, फिर वो घटना लेते हैं, बहुत ही प्यारी है। क्या तू सोया जाग आना, 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 जीवन धन गुरु नानक। पांचवें गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव जी महाराज के समय उनका एक सिख हुआ है जिसका नाम आया भाई जियोना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब गुरु अर्जुन देव जी महाराज की संगत करता है प्रत्यक्ष गुरु, गुरु अर्जुन देव जी महाराज। कैसे नहीं असर होगा, भूख लगती है नाम जपने की। सारा दिन सारा वक्त तो सिमरन चलता ही है, पर जब समा मिलता है ना तो छः छः आठ आठ घंटे, जैसे छुट्टी का दिन है आज, दुकान बंद है, तो छः छः आठ आठ घंटे समाधि लगाने जंगल में चले जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लाभ उठाने, हम जैसे छुट्टी होती है तो आराम करते हैं, टीवी देखते हैं, कुछ करते हैं, महापुरुष छुट्टी होती है तो उसका लाभ उठाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही फर्क होता है, हम टाइम पास करने की चीज़ें ढूंढते हैं, महापुरुष टाइम सफल करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। टाइम तो पास हो ही जाने, आप चाहो या ना चाहो, सफल हर एक का नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई जीवना ऊंची अवस्था, मन जाग चुका है, संगत है गुरु अर्जुन देव जी महाराज पांचवें गुरु नानक जी के। समाधि लगाने गए हैं जंगल में, सुबह गए शाम को समाधि खोली, अंधेरा होने वाला है, वापस चल पड़े घर की तरफ। रास्ते में मिल गया एक निंदक, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो उनको पसंद नहीं करता है, उनसे जेलसी रखता है, ईर्ष्या रखता है, अभी अकेले मिल गए हैं, तो उसने बहुत भला बुरा कहना शुरू कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बुरा भला कहते जा रहा है, कहते जा रहा है, यहाँ तक के गालियां भी दे रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई जीवना को एक रब्बी रूह रंग में रंगी हुई निरंकार के, भाई जीवन जी चुपचाप चलते जा रहे हैं, वो साथ साथ में चलते जा रहे हैं और गालियां दे रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो मन में आए वो कह रहा है, अपने मन की भड़ास निकाल रहा है, बहुत ही बुरा भला कहा। पर भाई जीवन के कहते हैं कि त्योड़ी भी नहीं चढ़ी भाव, कोई असर नहीं हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक होता है ना बुरा लगना, बुरा एहसास भी नहीं हुआ उन्हें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि मन जाग चुका है। जागा हुआ मन कैसे बुरा मान ले किसी बात का, जब पता है शरीर ही अपना नहीं, निंदा तो शरीर की हो रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक पॉइंट बहुत ध्यान से समझने वाला है, बहुत ध्यान से इसको समझना, ये बात हर कोई समझ नहीं पाता, फिर भी दास समझाने की कोशिश कर। गुरबाणी में हमें विनम्रता सिखाई है हमारे गुरुओं ने, विनम्रता,
पर विनम्रता और कायरता में फर्क होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विनम्रता क्या है? आपके पास ताकत है, आपको कोई कुबोल बोल दे, ताकत है, सहार गए आप सहार गए, आपने जवाब नहीं दिया, यह है विनम्रता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप उसे जवाब दे सकते हो, ईंट का पत्थर से जवाब दे सकते हो आप, पर नहीं दे रहे, कैपेसिटी होते हुए चुप कर गए, यह है विनम्रता। और आपसे बलवान है सामने, इसलिए आप चुप कर गए, यह है कायरता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फर्क समझना। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सिखों को बनाया ना, तो एक बात क्लियरली समझाती थी, पह काऊ को देत ने पह मानत आन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि ना किसी को डराना है और ना किसी से डरना है, अगर डराता भी है कोई तो मेरा सिख नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम अक्सर डराते हैं ना लोगों को अपनी ताकत से, वो भी मेरा सिख नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन है, विनम्रता से रहना है। सिख को देख के किसी को डर ना लगे, सिख को देख के किसी को प्रेम जागृत हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिक्योरिटी फील करे सिख को देखकर, डरे नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये इस ज्ञान को ले लेना बहुत जरूरी है। जवाब कब देना है, हमें क्या सिखाया गया है, अपने पर्सनल पर बात है, आपको कोई गाली दे रहा है, आपके बारे में कोई लिख रहा है, आपका पर्सनल, आपका नुकसान है और किसी का नहीं, सह जाओ, सहना ही है, यही विनम्रता है, यही पढ़ाई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात संगत पर आ जाए, बात गुरु पर आ जाए, अगर तब सहन कर जाते हैं तो कायरता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर्सनल सहना है, हमारे गुरु ने करके दिखाया है। गुरु अर्जन देव जी महाराज क्या नहीं कर सकते थे, तति तवि पर बैठे, क्योंकि उनको बिठाया गया, वो बैठे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। परले ला सकते हैं सेकंड में, सृष्टि के मालिक है, पर सह नहीं है, तेरा किया मीठा लगे, उन्हें मीठा लग रहा है, कहते प्रभु को बाहर है तो मैं बैठा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हजारों घटनाएं मिल जाएंगे सिख पर आंच आने नहीं दी अपने, जहां जहां सिख पर आई, सिख ने अरदास की, पहुंच गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे गुरु ने ये करके दिखाया, जब जब सिखों पर भीड़ बनी, गुरु साहब जी ने कला वर्ताई, बचाया, पर जब अपने पर आई कभी कोई शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। बच्चे नियों में चिने जा रहे हैं छोटे साहब जादे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज क्या नहीं कर सकते, पर शक्ति वर्ताई नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहां पर भाई जीवना जी वो निंदक गालियां देते जा रहे हैं, बुरा भला कहते जा रहे हैं, वो सहते जा रहे हैं। अब रास्ता खत्म हो गया, उनका घर आने वाला है, तो भाई जीवना जी ने उसे रोका, कह रहे एक मिनट मेरी बात सुन लो, आप इतनी देर से आप कह रहे हो, बोल रहे हो, मैं सुन लो, बस एक बात मेरी सुन लो, फिर जो करना है करना। कहने का बोलो क्या बोलना है। कहने का देखो सारे रास्ते मुझे गालियां देते आए हो, बुरा भला कहते आए, कोई बात नहीं, जैसे तुम्हारी इच्छा, पर अब मेरा घर आ गया है पास में, अगर मेरे बच्चों ने सुन लिया वो सहन नहीं कर पाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो नहीं सहन कर पाएंगे कि आप मुझे इतना गालियां दे रहे हो, वो हाथ उठा देंगे, कोई भेद भी कर देंगे आपकी, और मैं नहीं चाहता आपका किसी भी प्रकार से कोई नुकसान हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये घटना दूर खड़ा एक सिख भी देख रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसमें इतिहास में जिसका नाम आया भाई मंज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कैसे गुरु अर्जन देव जी महाराज से जुड़ा था ये घटना, कि कैसे एक सिख अगर अपना जीवन ऊंचा रखता है उसे देख के कितने लोग जुड़ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कह रहा है कि मेरा घर आ गया है, अब जितनी गालियां देनी यहाँ दे दो, मैं खड़ा रुक जाता हूँ, अब आगे मत चलो साथ में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो कहना है कह लो, घर के पास जाके अगर मेरे बच्चों ने आवाज सुन ली वो पीट देंगे, वो हाथ उठा देंगे, कोई भेद भी कर देंगे, मैं नहीं चाहता आपका कोई नुकसान हो। ये हैरान हो गया ये निंदक, कि कैसा आदमी है ये, मैं इसे इतनी गालियां दे रहा हूँ, इतना बड़ा भला बुरा कह रहा हूँ, और इसको फिक्र मेरी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मेरी फिक्र कर रहा है कि मुझे चोट ना लग जाए, मेरा बुरा ना हो जाए। हैरान हो गया और चरणों में गिर पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कैसे नहीं गिरेगा, चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा धन्यवाद, धने आपके गुरु जिसने आपको ये ज्ञान दिया। वो कहने लगे मेरे गुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये दूर से खड़ा सिख देख रहा था भाई मंज, वो दौड़ा चला आया, कहने लगे मैंने सारी घटना सुनी, मुझे बताओ भाई ऐसा कौन सा गुरु है तुम्हारा जो इतना तुम्हें सहन शक्ति दे दी, इतना ज्ञान दे दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
और वो गुरु क्या कहता है, क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस ज्ञान को हासिल करने के लिए, समस्ता को हासिल करने के लिए, कोई चाहे कितना भी बुरा कहे, बुरा लगे ना, इस अवस्था तक पहुंचने के लिए क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, परिवार छोड़ना पड़ेगा, क्या छोड़ना पड़ेगा, या कारोबार छोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर बड़ी प्यारी बात कही, बहुत ही प्यारी, भाई जीवना जी ने कहने लगे, नहीं मेरे गुरु अर्जुन देव जी महाराज एक ही बात कहते हैं, ये ज्ञान है ले लो, हम सबके लिए, कि ना घर छोड़ने की जरूरत है, ना परिवार छोड़ने की जरूरत है, ना कारोबार छोड़ने की जरूरत है, बस कहते 24 घंटे में से केवल गुरु के लिए 2.5 घंटे छोड़ने की जरूरत है, अमृत वेले 2.5 घंटे छोड़ने की जरूरत है बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना घर ना परिवार ना कारोबार, बस 24 घंटे में से अमृत वेले 2.5 घंटे छोड़ दो, ये अवस्था बन जाएगी। ये वचन भाई जीवना जी के लिखे हुए हैं और इन वचनों ने भाई मंच को कहां से कहां पहुंचा दिया। भाई मंच की साखी आपने सुनी, इतनी कड़ी घालना, इतना कड़ा इम्तिहान आज तक किसी का हुआ ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समय मिलेगा तो उनकी साखी भी कभी ले लेगा, सेवा के ऊपर है पूरी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा क्या होती है ये भाई मंज जी के जीवन से पता चलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का भाव, एक जागा हुआ मन कईयों को जगा सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु हर राय साहब जी से संगत ने सवाल किया था, गुरु हर राय साहब जी साथ में गुरु नानक, संगत ने सवाल किया था, पाछा जागे हुए मन की निशानी और बताओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर गुरु ने अलग अलग निशानी बताई है, हर भगत ने अलग निशानी बताई है, गुणों की खजान है ना, मन जाग गया, जितने भी गुण है दिव्य गुण वो एक्सेप्ट करता जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारी संगत बोलो धन गुरु नानक। वाह वाह, आओ इतनी प्यारी आवाज सुन के मन कर रहे, एक बार दास एक बार सारी संगत गुरु नानक जी की आवाज सुननी है ना। क्या तू सोया जाग आना, क्या तू सोया जाग आना, ते जीवन जग सच कर जाना, वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु, जीवन जग सच कर जाना, जीवन जग सच कर जाना, जीवन जग सच कर जाना, जीवन जग सच कर क्या तू सोया जाग आना, क्या तू सोया जाग आना, क्या तू सोया। प्यार से बोलिए धन गुरु, धन गुरु हर गोविंद से, गुरु हर राय साहब जी से। संगत ने सवाल किया, पाछा जागे हुए मन की निशानी बता दो। गुरु हर राय साहब जी ने कहा, जिसका मन जाग जाए उसे गुरु की वाणी मीठी लगने लग जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज हम नित्यनेम खत्म करते हैं,
नित्यनेम बढ़ाने का मन करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भूख लग जाएगी कीर्तन सुनने की, भूख लग जाएगी वाणी पढ़ने की, नाम जपने की भूख लग जाएगी। ये कब समय मिले मैं और नाम जप लूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये अवस्था बन जाएगी कि एक जपजी शिवजी का पाठ किया है, मन करेगा एक और कर लूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मन जाग गया, वाणी मीठी लगने लग जाएगी। ये कोई छोटी बात नहीं है। मोरे हृदय बसो गोपाल, गुनगांव नहीं क्या, रस रस गुनगांव। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हे गोपाल, हे परमात्मा, मेरे हृदय में बस जा। क्यों, मैं गुण गाना चाहता हूँ तेरे, पर फीके नहीं, रस लेकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आनंद लेकर, मीठा लगे मुझे तेरा नाम। रस रस गुण गाओ ठाकुर के, रस रस गुण गाओ ठाकुर के, रस रस गुण गाओ ठाकुर के, रस रस गुण गाओ ठाकुर के। हृदय बसो गोपाल मोरे, रस रस गुण गा ठाकुर के, रस रस गुण गा ठाकुर के, रस रस गुण गा ठाकुर के। हृदय बसो गोपाल मोरे, किसी को समा दिया हो, काम हमारा ही हो, समय पर ना पहुंचे, सोए रह जाए, कितना नुकसान हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आदमी की फ्लाइट हो, रात को सोता नहीं डर के कि फ्लाइट छूट ना जाए। अगर शरीर के ना जागने से इतना नुकसान हो सकता है, मन के ना जागने से पाछा कहते पूरी जीवन की बाजी हार सकता है। तो प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसको लाइटली मत लो। मन ना जागा अगर तो जीवन की बाजी हार गए, और अगर ये बाजी हार गए 84 लाख जोनियां भोगने के बाद फिर ये बारी आएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो इसलिए जाग जाग ले ओ रे मना, जाग ले ओ कहां गाफल सोया। मन को समझाओ, जागो जागो सोते हो चलिया वन जा रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उठ जाग सवेरे जी मना, तेरे नाम जपन दावे ना। उठ जाग सवेरे जी मना, तेरे नाम जपन दावे ना। उठ जाग सवेरे जी मना, तेरे नाम जपन दावे ला। उठ जाग सवेरे जी मना, तेरे नाम जपन दावे ला।
टपन दावेला गुरन मिलन दावेला पन दावेला गुरन मिलन दावेला नाम जपन दावेला गुरन मिलन दावेला अब पाल मुकना नहीं बंदिया तू एक दिन मुक जा का मन जाग जाए निशानी है महापुरुषों की बताई हुई तो हर वक्त सत्संगत को ही प्रेफरेंस देगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। दस काम दिखाई दे शादी पे जाना है या ये काम है या ये काम है ये काम है वो सारे काम छोड़कर सत्संगत कर लेगा क्योंकि सारे काम तो चलते रहेंगे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सतनाम कौर हर जगह पर क्यों पहुंच जाती थी देख लिया डर गई अब मन जाग गया है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। पहुंच जाती नहीं थी पहुंच जाती है अभी भी है दिल्ली में जीवित। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। अभी पता नहीं रहते तो लुधियाना में थे वो मुझे दिल्ली में दो बार मिले हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। जो मर कर वापिस आए जिन्होंने देख लिया कि बिना नाम के कुछ साथ नहीं जाना है कोई सत्संग छोड़ने को तैयार ही नहीं दिल्ली तक आ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चलो इतना नहीं कर सकते कम से कम जब चॉइस हो तो सत्संगत को प्रेफरेंस दे दो ये जागा हुआ मन करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोया हुआ मन तो प्रेफरेंस देगा रिश्तेदारों को कि शादी निभाली नहीं तो नाराज हो जाएगा गुरु तो अपना ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कौन सा नाराज होने वाला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु को तो हमने इसलिए तो कहते हैं ना लोगों ने राम खिलौना जाना माथे तिलक हाल हाथ माला बाना लोगों ने राम खिलौना जाना। वेशभूषा को हमने प्रेफरेंस दे दी है जीवन को नहीं क्यों क्योंकि लोगों ने राम को खिलौना बना लिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खिलौना मतलब वो क्या कर लेगा उसे क्या पता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसका मन जाग जाए वो ये पंक्तियां मन में पड़ेगा कम कार ने मुकना नहीं बंदिया तू एक दिन मुक जाना तू खत्म हो जाएगा तेरे काम खत्म नहीं होंगे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कम कार ने मुकना नहीं बंदिया तू एक दिन मुक जाना मुकना नहीं बंदिया तू एक दिन मुक जाना 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 नाम जप लो जन्म करो सफला के एक दिन तुर जाना जन्म करो सफला
तुर जाना तुर जाना तुर
जीवन जग सच कर जाना, तै जीवन जग सच कर जा, सच कर जा, सच कर जा। क्या तू सोया जाग बालपन बीते, 20 बरस कछ तप न कियो, 30 बरस कछ देव न पूजा, फिर पछताना बिरद भयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो। ये हमारा हाल है, 12 बरस बालपन बीत गया, 20 बरस कोई तप कोई नाम नहीं जपा, 30 बरस कछ देव न पूजा, फिर पछताना बिरद भयो। 40 के बाद तो बुढ़ापा आना शुरू, उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। अगर एक्चुअली में अगर डाटा देखें इंडिया का, तो 60 ही उम्र है, 58-60 जो नॉर्मल जो होती है, याद एक्सेप्शन तो बहुत होती है, 100 भी होती है, 106 भी होती है, 13 भी होती है। रेगुलर जो है, जो आदमी सही सलामत है, फिट है, बीमार नहीं है, तो भी 58-60 है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और वैसे तो एक मिनट का पता नहीं, वाणी बार बार कहती है जाग जाग जा, मेरी मेरी करते, मेरी 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 करते जन्म चला गया तेरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वक्त रहते जागना बहुत जरूरी है, समय सिर जागना। मरने के बाद तो हर कोई जाग जाता है, जागना ही पड़ता है। जीते जी जो जाग जाए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समय सिर संभाल लेना बात को, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। समय निकल गया फिर तो हाथ कुछ नहीं आना। क्या तू सोया जाग जब इंसान की मौत आती है, मृत्यु आती है, तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। यहाँ तो उसे ऐसा लगेगा जैसे सुबह हो रही है, यहाँ तो उसे ऐसा लगेगा जैसे संध्या हो रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जिसका नेम होगा संध्या में रह रहा साहब जी का पाठ करने का, संध्या का वक्त संभालने का, उसके मुख से क्या निकलेगा? हर जुग जुग भगत पाया पैज रखता आया, प्याज रखेगा कि नहीं? फिर वो प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुख में वाणी होगी, ध्यान गुरु के चरणों में होगा कि रह रहा साहब जी का समय है। जो वो समाज संभालते होंगे बाबा नानक सिंह जी के वचन, उसे लेने देवता आएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जिसका अमृत वेले का नेम होगा, उसे लगेगा अमृत वेला हो गया है, तो वो क्या करेगा? एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी साहब गुरु प्रसाद आज सच जुगा सच है भी सच नानक सोच है सोच न हो जैसे श्री जपजी साहब जी का पाठ आरम्भ कर देगा। और जो जपजी साहब जी का पाठ करे, गुरु नानक पाशा खुद नहीं संभालेंगे उसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर ये कौन कर सकता है जो दोनों समय संभालता हो, अमृत वेला का समय संध्या का समय, दो समय संभाल लो, मृत्यु सरल हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सरल मृत्यु हो जाएगी। तै जीवन जग सच कर जा।
जीवन जग सच कर जाना। एक दिन ऐसा आएगा तुझे मटके में लेके जाएंगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, फ्रीजर में जमा देंगे। किसी के बुलाने पर भी नहीं बोलेगा। महापुरुष समझाते कि उस वक्त तेरे सोहेले पड़े जाएंगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, पर सुनने के लिए तू वहां नहीं होगा, अपने सोहेले खुद पढ़ ले, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आपको पता है जब संस्कार होता है वहाँ पे वाणी पढ़ी जाती, बहुत उत्तम चीज है, पढ़ी जानी चाहिए, पर जीते जी खुद पढ़ जाओ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्या पता मृत्यु कहाँ लिखी है। एक्चुअली में तो जो नाम जपते हैं वो चाहे जंगल में मर जाए, उनकी लाश को चील कौए खा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा से भाई मर्दाना जी से पूछा था ना, इम्तिहान लिया था, अंतिम समय था भाई मर्दाना जी का, गुरु नानक पाशा ने सवाल किया कि देखे कितना ज्ञान हासिल किया साथ में रह के, कहने की मर्दानिया अब तेरा अंतिम समय है, तू मर जाएगा, तेरे शरीर को दफनाऊं जलाऊं या जानवरों को खिला दूं या नदी में जल प्रवाह कर दूं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई मर्दाना जी हाथ जोड़ के कहते हैं पाशा इतनी देर साथ में रख के आपने ज्ञान दे दिया है, ब्रह्म ज्ञान, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मरने के बाद शरीर का क्या होता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, जो होना है आत्मा के साथ होना है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बस मेरा वहां साथ मत छोड़ना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो मन में आए करो मेरे शरीर का, मेरी आत्मा का साथ मत छोड़ना, और आत्मा के साथ कौन जाता है, नाम परमात्मा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यही ज्ञान है, बाकी सब तो रीति रिवाज है, कोई कुछ भी करता जाए। आत्मा महापुरुष भजन किया करते थे, जिन्होंने बहुत पाप कमाए होते हैं, बड़े बड़े लोग धनवान होते हैं, तो उनकी मौत पर भी हजारों ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आजकल तो ये भी फैशन हो गया है, मरने के बाद फोन कर करके इकट्ठे किए जाते, भी हमारी इज्जत का सवाल है, लोग आने चाहिए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अरे वो चला गया, उसकी किसी को फिक्र नहीं है, जाने के बाद भी अपनी फिक्र है, सोचो जिनके लिए आप जीते हो, जिनके लिए मरते हो, जिनके लिए सब करते हो, उनको फिक्र अपनी इज्जत की है, आपके जाने की कोई चिंता नहीं। कि लोग इकट्ठे हो जाएं ये ना कहे कि भाई हमारी पहचान नहीं है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हैरान होता हूँ मैं, जिसके घर में मृत्यु हो जाए उसे कुछ सोचना नहीं चाहिए कि पिता चला गया है, माता चली गई है, नाम जपूं मैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यही उसके काम आएगा, पर वो फोन पर लगे होते हैं तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये चौथा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महापुरुषों के वचन है, जब कोई बड़ा आदमी मरता है जिसने बहुत पाप कमाए होते हैं, कहते इतनी ज़्यादा रोती है वो आत्मा, क्योंकि देख रही है कि हजारों लाखों लोग उसके साथ खड़े हैं, पर जमदूत उसे पीट रहे, कोई बचाने वाला नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वहां उसकी पिटाई हो रही है और यहाँ उसकी जय जयकार हो रही है, वो देख रहा है अपनी आंखों के सामने सब, और बचाने वाला कोई नहीं, और वहां पर केवल नाम संग तेरे चले, जय मात पिता सुत मीत न भाई, मन उहा नाम तेरा संग सही, जय मुश्किल होवे अत पारी, हर को नाम खिन मैं उदारी, जय महाप्यारे दूत जम जल तय केवल नाम संग तेरे चल, जय मुश्किल होवे अत पारी, हर को नाम खिन मैं उदारी, अनेक पुनः चरण करत नहीं तरह, कितने मर्जी दान पुण्य कर ले एक भी तेरे साथ नहीं जाएगा, नहीं तरेगा, अनेक पुनः चरण करत नहीं तरह, हर को नाम कोट पाप पर हरे, नाम जप लेगा तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, मन को समझाए नाम जप ले, नानक भावो नानक पावो सुख कनेरे, सुख ही सुख मिलेगा यहाँ भी वहां भी, नाम जप लो अमृत वेला संभाल लो, नित्यनेम दृढ़ कर लो, दास की बेनती है बाबा नानसिंह जी और गुरु नानक पाशा का हुक्म है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रचा पूरन होए चित के इच्छा तब चरणन मन रहे हमार अपना जान करो प्रत पारा हमरे दुष्ट सब है तुम कावो आप हाथ दे मोए बचावो सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सब है करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब रन को आज संगरिए पूरन होए हमारी आशा और भजन के रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई और ना क्या जो पर चाहो सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उभरी है अर्ध काल का त्रास नवरी है पूजो सदा हमारे पछा सरियस तुझ जो करियो रचा राख लियो मुझे राखन हार साहिब संत साहिब प्यार दीन बांध दुष्टन के हंदा हो पुरी ततर दस कंता काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए सब जो अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रगासा सकल काल का किया तमासा जवन काल जो की शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जो थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताए हम जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जग छनि उपजायो आद अंत के अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवार सेवकन को शिव गुण सुख दियो सतरन को पल मोहबत कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंजर अस्तो सब पर कृपा दृष्ट कर भोला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान कट कट के पट पट के जान जब उदकर्ष करा कर तारा प्रजा तर्क तब दे अपारा जब अकर्क करत कब जेते बदन श्रेष्ठ सब दार आप अपने बोझ उतार तुम सब ही ते रहत निरालम भेद भेद आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभव तांका मूढ़ उचार तो भेदा को पेव न पाप तो भेदा तांको कर पान अनुमान महा मूढ़ कछ भेद न जान महान देव को कह तु सदा शिव निरंकार का चिन्हत न पेव आप अपनी बुद्ध है जेती तो पेन पेन तो तुमरा लखा न जाए पसारा कुछ सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयोराव कई कोपा अंडज जेरज से तज कीनी कुछ खान बहो रच देने कहू कुल राजा अब बैठा समट प्यो संक्रिय फैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप से अंभव अब रक्षा मेरी तुम करो त्योहार असक संग करो दुष्ट जिते उठवत उत पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुझ तब सरणी परे के दुष्ट दुख तो हव मरे उर्क जवन पग परे तिहारे इनके तुम संकट सब तारे जो कल को एक बार ताके काल निकट रक्षा हुई ताए सब काला दुष्ट अरिष्ट करे तत्काला कृपा दृष्टन जाए निहरो ताके ताप तनक मो हरो रे तो सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट छा छै सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा पास ते ताए जिन नर नाम ते हारो कहा दुष्ट लोग तेरा खड़ग कीत मैं शरण तिहारी आप हाथ दे ले ओ बारे सर्व डोर मो सहाई दुष्ट लोग ते ले ओ बचाए खड़ग कीत मैं शरण तिहारी आप हाथ दे ले ओ बारे सर्व डोर मो सहाई दुष्ट दुख ते ले ओ।
राम कली महला तीजा आनंद क्यों कार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु का पाया सहज से की मन वजियां बाधाया राग रतन परवार परियां शब्द गावन अंगीकारो करे तेरा कार सब सवारना साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे करता तेरे सब कुछ है जिसे सोपारे सच्चे सैल क्या ना घर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साचा नाम मेरा आधार सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सान सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब पूजाइया साचा नाम सबागे घर सबागे सबद वाजे कला जी करतारियां पंज दूत वस कीते काल कंटक मारिया मन सुनो बड़भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल सूरे कहते पवि सतगुरु रे भरपूरे बिनवंत नानक गुरु चरण लागे वाजे अनहद तुरे सलोक पावन गुरु पाणी पिता चंगियां बुरियां आईया वाचे धर्म हजूर करमी आपो अपने जिनी नाम ध्याया जिनी नाम वाहे गुरु 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 वाहे काल नानक ते मुख उजले खेती छोटी नाल बोलो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह फतेह वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह वाहे गुरु जी का
शुक्राना गुरु जी तेरा शुक्राना 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 सांसों की उजाला गुरु जी तेरे दम से है मनोभुवन हरियाला गुरु जी तेरे दम से है जीवन ज्योत में ज्वाला गुरु जी तेरे दम से है शुक्राना करूं मैं तेरा शुक्राना दम दम की चादर तानी है घर में तेरे भक्तों के जो दाना पानी है ये सब तेरी देन है तेरी मेहरबानी है शुक्राना गुरु जी तेरा शुक्राना हर पल शुक्राना गुरु जी तेरा शुक्राना हर क्षण करूं मैं तेरा शुक्राना शुक्राना गुरु जी तेरा शुक्राना शुक्राना गुरु जी तेरा पार लगाया गुरु जी शुक्रिया लंगर दान दया का लुटाया गुरु जी शुक्रिया मंगतों को खुशहाल बनाया गुरु जी शुक्रिया शुक्राना गुरु जी तेरा शुक्राना हर घड़ी Yeah.
शुक्राना करूं मैं तेरा शुक्राना
शुक्राना गुरु जी तेरा जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। Guruji Sada
जय गुरु जी की।